हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होने वाली है, और आज मैं आपको मिक्स फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं बनाना कैसे है। उसके लिए मैंने ये 1/2 लीटर दूध लिया है, और ये फुल क्रीम दूध है, आप चाहें तो नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, दूध को एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। और उसके बाद मैंने ये साइड में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 चम्मच दूध बचा के रखा था, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो ये आप देख सकते हैं, ये वनीला फ्लेवर है, तो इसमें से मैंने 2 चम्मच के लगभग इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनाना है। तो ये देखिए, मैंने मिला लिया है अच्छे से, और आप देख पा रहे होंगे दूध में अच्छे से उबाल आने लगा है। तो इसमें जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा था दूध में, उसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, और साथ के साथ चलाते जाएंगे इसे। तो ये देखिए, एक हाथ में मैंने चम्मच लिया है और एक हाथ में कटोरी ली है कस्टर्ड वाला। तो इसे ऐड करते जाएँ और साथ के साथ इसे ऐसे मिलाते जाएँ। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो इसमें बहुत लम्स पड़ जाएंगे और वो टेस्ट भी अच्छा नहीं करेगा। तो इसे ऐसे डालते जाएं और मिलाते जाएं। और इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के बाद इसे हमें लगातार चलाना है। अगर हम इसे बीच बीच में छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ मैं इसे। 5 से 7 मिनट पकने के बाद ये आप देखेंगे कि ये बहुत ही थिक हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे अभी पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देंगे। आप जैसा भी मीठा पसंद करते हो, आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला होगा, तो क्योंकि चीनी पिघलती है, तो इसे लगातार चलाएंगे। और 5 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए और पकाएंगे। अभी मुझे टोटल इसे पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो और आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही अच्छा थिक हो चुका है, और इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और भी थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अनार और यहाँ पे 2 केला और 1 सेब मैंने कट करके रखा है। आपके पास जो भी फ्रूट्स हो आप ऐड कर सकते हो। वाटरमेलन और ऑरेंज को छोड़कर इस टाइप के वाटरी फ्रूट आप ना ऐड करें। उसके अलावा मैंने ड्राई फ्रूट में ये काजू, किशमिश और बादाम लिया है। तो ये देखिए, हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स दोनों ही ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, एक एक करके मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आपने फ्रूट कस्टर्ड बनाया तो आपके घर में बड़े, बच्चे, बूढ़े सबको बहुत ही पसंद आएगा, और सभी फ्रूट्स खाना बहुत ही पसंद करेंगे इस तरीके से अगर आपने फ्रूट कस्टर्ड बनाया तो। और ये देखिए, मैंने जो भी ये ड्राई फ्रूट्स कट करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसे हम 1 से आधे घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि ये ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड, इसको रख देते हैं फ्रिज में, और आधे घंटे बाद ये देखिए, ये बिल्कुल थिक हो चुका है और बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, लग रहा है ना बिल्कुल आइसक्रीम। तो आप इस तरीके से फ्रूट कस्टर्ड ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा, और इस तरीके से बनाने के बाद आप आइसक्रीम खाना भी भूल जाएंगे। तो आप अपने घर के बड़े बच्चों को ज़रूर ये बना कर खिलाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं इसकी सर्विंग, और इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में।
तो ये देखिए निकाल लिया है मैंने एक बाउल में और इसे सर्व करते हैं। और आ गया ना फ्रेंड्स आपके भी मुंह में पानी, तो ज़रूर से बनाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको मेरी रेसिपी।